हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं मैविक एयर 2S जो लॉन्च हुआ है हाल ही में, उसके क्या खास फीचर हैं। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अब तक DJI ने अपने ड्रोन में नहीं डाले, मतलब इस लेवल के ड्रोन में नहीं डाले। तो वो खास फीचर हैं टोटल मिला के 3। तो वो कौन से 3 बेस्ट फीचर्स हैं जो आपको टाइटल में भी दिख रहा है, जो इस ड्रोन को खास बनाते हैं, और इसको लेने के लिए अगर आपके पास बजट है और अवेलेबल है तो इसको क्यों लेना चाहिए, व्हाई, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ड्रोन, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका सबसे जो पहला फीचर जो इसमें आपको मिलता है 1 इंच का CMOS सेंसर। आप कहेंगे इसमें क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि आपको एक डायनेमिक रेंज ज्यादा मिलेगी, फोटोग्राफी अगर आप ड्रोन की अच्छे से करना चाहते हैं, शॉट्स लेना चाहते हैं, तो वो अच्छे मिलेंगे एकदम हाई लेवल के, जैसे DSLR में बहुत अच्छे, जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है ड्रोन की, उसके लिए 1 इंच सेंसर बहुत अच्छा, और वैसे भी ओवरऑल वीडियो की परफॉर्मेंस के लिए नाइट के सीन्स बहुत अच्छे आएंगे, नाइट के ड्रोन फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी, वीडियोग्राफी बहुत अच्छी होगी। तो ये का सबसे बड़ा फीचर है कि इस ड्रोन में आपको इस पैकेज मिल रहा है, ठीक है, दिस इज नंबर 1। लेकिन अभी असली चीज अभी बाकी है। दूसरा इसमें है जो काफी यूजफुल ड्रोन में डाला गया है, वो है ADS-B, यानी इसको एयर सेंस भी कहा जाता है। इसका ये फायदा रहता है, बहुत अच्छा फायदा है, काफी सेफ्टी के लिए फीचर ये है कि जिसकी इसकी मदद से अगर ये ड्रोन के अंदर है, जैसे इसके अंदर है, और आप किसी ऐसी जगह पर ड्रोन काफी ऊंचा ले गए और हो सकता है कि ऊपर आपके एयरप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, तो उससे एक्सीडेंट ना हो, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ रहा हूँ, उससे एक्सीडेंट ना हो, तो ऐसे कुछ सेटिंग इसमें है कि वो अपने आप हमारा ड्रोन नीचे हो जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांस, क्रैश होने का चांस विद मेन एयरप्लेन और मेन हेलीकॉप्टर बच जाए, मतलब आप सेफ हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है इसके अंदर है। अब बातें हैं असली चीज पे जिसके बारे में ये वीडियो है, वो है मास्टर शॉट्स। जी हाँ, इसके अंदर ये जो चीज है मास्टर शॉट्स वाली, अब तक बाकी ADS-B और ये CMOS ये सब आपको लग रहा होगा ठीक है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, ये जो है मास्टर शॉट्स इज द वन थिंग जो अभी तक DJI ने किसी भी ड्रोन में अभी तक नहीं डाली है, वो इसके अंदर उन्होंने डाल दी है। तो आसान भाषा में मास्टर शॉट्स क्या है? क्विक शॉट्स अभी तक आ रहे थे जो कि इजी शॉट्स थे, जो अपने आप ड्रोन अलग अलग लेता था, अब तक के काफी ड्रोन में आपको मिले 3-4 रॉकेट ये वो स्काई ब्रॉड पूरा रोटेशन वाला, लेकिन मास्टर शॉट्स इसी ड्रोन में आपको अवेलेबल है। तो मैं वो ग्राफिक से भी मतलब आपको दिखाने वाला हूँ कि है क्या। बेसिकली इसमें बहुत बढ़िया फीचर है मास्टर शॉट्स का, कि अगर आप वन मैन आर्मी, मतलब आप एक अकेले मतलब यूट्यूबर हैं, या आप एक फैमिली के साथ कहीं जा रहे और आपका विचार है यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग वेरी सिनेमेटिक, और उसमें आपको तामझाम में शॉट कैसे डिसाइड होता है, जैसे आपको पता होगा सिनेमाटोग्राफी में सारे शॉट्स पहले प्लान किए जाते हैं, वन वन स्टेप वाइज उसका सारा प्लान बनाया जाता है कि यहाँ से लेंगे फिर ड्रोन यहाँ से आएगा, सारा कुछ प्लान होता है। तो वो चीज़, उस लेवल का चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं और ये प्लानिंग वगैरह नहीं करना चाहते, तब आप मास्टर शॉट्स को यूज़ करें। तो इसमें क्या होगा कि ड्रोन में प्रीसेट कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं ड्रोन के अंदर, ऑटोमेटिक फीड है, कि जैसे आपने मास्टर शॉट को ऑन कर दिया, आप अकेले हैं या आपकी फैमिली के साथ हैं, बस वो सिनेमेटिक फुटेज आपको विद एडिटिंग ये आपका ड्रोन करके देगा। तो क्या होगा, वो बेसिकली अलग अलग इसमें मास्टर शॉट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए उस शॉट को जैसे आप डिसाइड करते हैं, तो उसकी कुछ सीक्वेंस बनेगी और उस सीक्वेंस के हिसाब से ड्रोन अपने आप ऑटोमेटिकली कभी ऊपर से कभी जैसे भी है, अलग अलग जो भी सीक्वेंस उस प्रोग्राम के अंदर है, ड्रोन अपने आप लेगा और उसके बाद उसको एडिट करके आपके सामने एक सिनेमेटिक फुटेज ऑटोमेटिकली तैयार की हुई रख देगा। बहुत ही बढ़िया फीचर है, जो कि जस्ट इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते, सीधा कंटेंट बनाना चाहते हैं और सिनेमेटिक कंटेंट बनाना चाहते हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहते हैं और बहुत ही ईजी तरह से बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ आपको मास्टर शॉट से पॉसिबल है और वो मास्टर शॉट फीचर इस नए ड्रोन में अवेलेबल। फंक्शन में भी ये चीज़ है, इसको कहा जा रहा है कि मास्टर शॉट्स। तो मास्टर शॉट्स एक नई चीज़ जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्विक शॉट की एक्सटेंशन है। इसमें देखिए, जैसे ये कुत्ता लेके बैठे हैं और ये जो सारे सिनेमेटिक सीक्वेंस है, ऊपर से शॉट लेना, साइड से शॉट लेना है, सब ड्रोन डिसाइड कर रहा है प्री प्लान, और आपको फिर फाइनल एडिटिंग में ये शॉट रेडी करके ड्रोन दे देगा। तो यही है इस चीज़ की एडवांटेज, देख सकते हैं आप।
ड्रोन ने अपने आप कोई दूर से शॉट, कोई पास से शॉट, कोई ऊपर से शॉट और फिर इकट्ठा मिल, एक सेंटर ऑफ अटेंशन इसमें मास्टर शॉट है जिसकी मदद से आप कोई चलती हुई चीज़ की एकदम फोकस में रखते हैं। एक्टिव ट्रैक और इसके सेंसर की हेल्प से बहुत बढ़िया शॉट आप ले पाएंगे। स्पॉटलाइट 2 इसको कह रहा है DJI, दिस इज अनदर फीचर। बाकी एक्टिव ट्रैक 4 है इसके अंदर, इसकी हेल्प से ये बहुत बढ़िया चलता है। एंड दीज आर सम ऑफ द शॉट्स और सेंसर्स इसमें बहुत बढ़िया हैं एंड जो कि चारों तरफ से आपको 12 किलोमीटर की रेंज, इट्स अमेजिंग वन। चार एंटीनाज लगे हुए हैं एंड ADS-B मैंने आपको पहले बता दिया जिससे अपने आप नीचे हो जाता है। एंड दिस इज़ द होल पैकेज विच यू विल गेट फ्रॉम दिस ड्रोन, बहुत ही उमदा टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो खास चीज़ थी वो है आपके सामने मास्टर शॉट्स फीचर, जो मेन है आपके इस ड्रोन में। और मास्टर शॉट्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये ड्रोन आपके लिए। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस तरह का कंटेंट ड्रोन से रिलेटेड मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और इसके अलावा टेक गैजेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में भी शेयर करते हैं, नॉलेज टिप्स भी देते रहते हैं शॉर्ट वीडियोज़ के हिसाब से, और हेल्थ के टिप्स भी मैं कभी कभी यहाँ पर देता हूँ ऐसे डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।